सो गाइज, अगर मैं ओवरहेड वीडियोस की बात करूँ ना, तो उसका सेटअप बहुत महंगा पड़ता है अगर आप ट्राईपॉड की तरफ जाते हो, बिकॉज जो ट्राईपॉड ओवरहेड यू नो शॉट्स का सपोर्ट करते हैं वो आपको अराउंड 6,000 के करीब मिलते हैं, जैसे सिंपेक्स की तरफ से मिलता है, डिजिटेक की तरफ से मिलता है। लेकिन हम मतलब मैं इतना पैसा नहीं लगा सकता था, तो मुझे लगा कोई सस्ता जुगाड़ ढूंढना चाहिए। तो मैंने क्या किया कि कुछ छोटी छोटी आइटम्स मंगवा के ओवरहेड शॉट का जुगाड़ किया है, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो ओवरहेड शॉट का जुगाड़ है, ये अंडर 1,000 rupees आपको पड़ जाएगा। अगर तो आप टोटली मतलब कोई सिरदर्दी करना ही नहीं चाहते, आप चाहते हो कि मैं एक ऐसा सेटअप मंगवाऊं जो पहले से बना हुआ है, मुझे सीधा फ़ोन अटैच करना है, तो आपको 1,400 rupees का पड़ेगा। बट जो जुगाड़ मैंने लगाया है वो आपको अंडर 1,000 पड़ जाएगा। एंड मेरा जो जुगाड़ है वो ज़्यादा रिलायबल है, मैं आपको पहले ही बता दूँ। तो क्या क्या आइटम्स बेसिकली हमने मंगवाई हैं, हमने एक माइक स्टैंड मंगवाया है, जिसको माइक स्टैंड तो नहीं यूज़ करेंगे, बट हम किस तरह यूज़ करेंगे वो मैं आपको बताऊँगा। देन हमने एक ये आप देख सकते हो 360 माउंट बॉल मंगवाया है, जो टॉप पे लगेगा। देन हमारे पास एक 3x8 to 1x4 फीमेल कन्वर्टर है, एंड देन 1x4 to 1x4 मेल कन्वर्टर है। ये जो 1x4 है, इस पे आगे कैसे प्रोसेस होगा वो हम सारा बताएंगे। एंड देन हमारे पास ये एक फोन माउंट, ट्राईपॉड माउंट भी जिसको बोलते हैं, वो है, जो मुझे पहले से बना हुआ ऑलरेडी अमेजोन पे मिल रहा था 1,400 rupees का। उसको नहीं लेने का एक रीज़न ये भी था कि उसके साथ जो माउंट था वो अच्छी क्वालिटी का नहीं था। तो चलिए अब बिल्ड करते हैं हमारा ओवरहेड सेटअप, एंड देखते हैं हमें ओवरहेड सेटअप जो है वो उसके बाद जो शॉट्स आएंगे वो कैसे देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हमें ये माइक स्टैंड को ओपन करना है। इसके अंदर आपको तीन चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक सबसे पहले ये कुछ इस तरह से दिखने वाला पार्ट, फिर उसके बाद आपको एक्चुअल आपका स्टैंड देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड देन स्टैंड के बाद आपको माइक होल्डर देखने को मिलता है। अब ये जो माइक होल्डर है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं साइड पे रखता हूँ। हमें ज़रूरत है बेसिकली इसकी। तो ये जो पार्ट है ना बेसिकली गाइस, इसको हमें यूज़ करना है। एंड इस पर आपको दो एंड्स देखने को मिलेंगे, एक ये वाला एंड एंड एक ये वाला एंड। ये वाला एंड जो है, ये आपको 3.8 का स्क्रू देखने को मिलता है। इसको सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। इसको कन्वर्ट करने के लिए हमने ये कन्वर्टर लिया है, आप देख सकते हो यहाँ पे 3.8 है, यहाँ पे 1.4 है, तो हमें 3.8 वाले को यहाँ पे लगाना पड़ेगा। एंड ये कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो यहाँ पे फीमेल पोर्ट मिलता है वो 1x4 साइज का मिलता है, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हमने 1x4 to 1x4 वाला स्क्रू खरीदा है। तो 1x4 वाले स्क्रू को यहाँ पे हम इंसर्ट कर देंगे, तो ये आप अपने हिसाब से टाइट कर सकते हो। अब ये यहाँ पे टाइट हो चुका है, तो अब हमें क्या करना है, इस 1x4 वाले पे अपना बॉल माउंट लगाना है। ये इस पे इजीली लग जाएगा, बिकॉज हमने सारा रिसर्च करके सामान मंगवाया है। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे दूंगा, आपको ज़्यादा सिरदर्दी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़ें एंड देखें आगे हमारा कैसे सेटअप होगा, मैं आपको प्राइसिंग बता देता हूँ। ये जो हमारा माइक स्टैंड है, ये हमने 500 rupees में बाय करा है। देन हमारा ये स्क्रू का सेटअप है, जो मुझे दो किट्स मंगवानी पड़ी। एक किट में ये था, ये जो आपको ये वाला कन्वर्टर दिख रहा है, एंड इस किट के साथ जो था वो डिजायर्ड स्क्रू नहीं था, सो स्क्रू के लिए मुझे अलग से किट मंगवानी पड़ी। तो ये जो आपको बीच वाला स्क्रू दिख रहा है, ये 84 rupees का पड़ा है, एंड ये वाली किट जो है वो ऑलमोस्ट 225 के करीब पड़ी है। ये बॉल माउंट मुझे 150 rupees का पड़ा है, एंड ये मैंने आपको बता दिया, तो अराउंड जो है वो 900 something के करीब ये सारा सामान पड़ा है, विच इज अंडर 1000। मुझे थोड़ा सा महंगा इसलिए पड़ा बिकॉज मैंने माउंट भी दो ऑर्डर करे हैं, ये भी थोड़े ज़्यादा ऑर्डर करे हैं, ये भी थोड़े ज़्यादा ऑर्डर करे हैं। एंड सबसे टॉप पे गाइस हमारा ये होल्डर लगेगा, जो हमने 250 rupees में ऑर्डर करा है, तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब चलते हैं एंड अपने टेबल के साथ करते हैं इसको अटैच। सो गाइस, इससे पहले मैं वहाँ पे माउंट करूँ, आपको यहाँ पे इसको कुछ इस तरह से लगा देना है, एंड इस स्क्रू को जो है वो टाइट कर देना है। अब ये आपका आपके टेबल के साथ अटैच होने के लिए जो है वो रेडी हो चुका है। आपको यहाँ से बस इसको लूज करना है, एंड देन मैं टेबल के साथ माउंट कर दीजिए। चल तो गाइस, आप देख सकते हो हमने यहाँ पे इसको जो है लगा दिया है। अपने हिसाब से आप इसको टाइट कर सकते हो, नीचे से आपको दिया गया है, एंड अब आप इसको जिस भी हाइट में एडजस्ट करना है वो आराम से कर सकते हो, ठीक है। हमारा यहाँ पे जो है वो सारा सेटअप लग चुका है। अब हमने लगाना है आगे होल्डर, तो अभी हम देखते हैं कि हमारा होल्डर का प्रोसेस कैसा रहता है। तो इसको यहाँ पे रोटेट करते हैं अच्छे से, तो
तो जो हमारा ट्राइपॉड का माउंट है वो भी लग चुका है। आप हाइट जो है वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, कुछ इस तरह से इसकी हाइट बन सकती है। हमने यहाँ पे फोन का होल्डर भी लगा दिया है एंड कुछ इस तरह से आपका सेटअप देखने को मिलता है। एंड इसकी सबसे बड़ी खास बात यही है कि आप इसके इसको रोटेट कर सकते हो। अब आपको जब टॉप व्यू शॉट लेना होगा तो आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है इसको घुमाइए, ठीक है, इसको घुमाइए, इससे आपका ये जो फ़ोन रखने का एरिया है वो बढ़ जाएगा। एंड यहाँ पे आपको अब अपने फ़ोन को रखना है एंड दैट इज़ इट। तो आपने यहाँ देखा अभी हमारा जो ये व्यू के लिए रेडी हो चुका है, लेकिन ये कुछ इस तरह से मुझे ज़्यादा लग रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल स्ट्रेट रहे, बिकॉज 360 माउंट का फ़ायदा ही यही है कि आप उसको घुमा सकते हो। तो हम यहाँ से इसको लूज़ करके इसको टॉप पे ले जाएंगे, ठीक है, एंड जो अपना 360 वाला है उसको घुमा के नीचे को ला के एंड यहाँ पे इसको भी कर देंगे टाइट। अब टॉप व्यू से आपको वीडियो मिलेगी कैसे वो मैं आपको दिखाऊंगा, बाकी आपको अगर थोड़ा पास से लेना है तो आप इसको घुमा सकते हो, थोड़ा दूर से लेना है तो भी इसको घुमा सकते हो। तो मेक श्योर आप यहाँ से इसको अच्छे से टाइट करो नीचे से। गाइस आप देख सकते हो इसका जो टॉप व्यू है वो कुछ इस तरह से दिखता है। लेट्स सपोज मैं एक अनबॉक्सिंग करना चाहता हूँ, वो भी मैं इजीली कर सकता हूँ, मुझे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। मैं कुछ आपको प्रोडक्ट दिखाना चाहता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं अगर किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ एंड मैं टॉप व्यू में कुछ आपको समझा के दिखाना चाहता हूँ तो वो भी मैं इजीली कर सकता हूँ। तो टॉप व्यू शॉट जो है मेरे हिसाब से जैसा मुझे डिजायर चाहिए था वो मुझे मिल गया एंड अंडर 1000 रुपीज मैंने इस पूरे सेटअप को बिल्ड करा है। सो दैट इज समथिंग विच आई लाइक द मोस्ट अबाउट दिस सेटअप। तो आप भी कुछ इस तरह से सेटअप कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो सही लगी होगी। तो दोस्तों बस यही कवर करना था आज की वीडियो में। आई होप आपको वीडियो सही लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी एंड आप भी कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड होंगे ऐसा सेटअप बनाने के लिए। तो कुछ इस तरह से अभी दिख रहा है, मैं आपको बता सकता हूँ। तो आपको मेरे रूम का व्यू भी दिख रहा होगा, प्लीज़ उसको इग्नोर करना। तो नॉर्मली तो मैं इस पर हेडफोन्स अपने टांग के रखता हूँ, बट आप देख सकते हो। अगर मैं आपको इसकी ड्यूरेबिलिटी भी बताऊँ ना, मतलब स्ट्रांग काफ़ी है, आपके स्क्रू के टाइट करने पे डिपेंड करता है। मैं आपको ये जो ये वाला माउंट है ना, ये वाला, इसका एक बढ़िया वाले का लिंक दूंगा, बिकॉज ये मुझे इतना बढ़िया नहीं लगा। तो मेक श्योर कि आप इस तरह से इसको बिल्ड कीजिए एंड अगर आप इतनी सिरदर्दी नहीं करना चाहते तो जो मैंने आपको 1400 रुपये वाला बताया आप डायरेक्टली उसको बाय कीजिए। यहाँ पे इसी तरह से वो माउंट होगा एंड देन उसमें आप सीधा अपना फोन लगाइए, आप ओवरहेड शॉट ले सकते हो। बट आपको इतना तो आइडिया हो गया होगा कि जो इस तरह से ओवरहेड शॉट्स वाले आते हैं वहां से आपको रिजल्ट कैसा देखने को मिलता है, डिजायर रिजल्ट है। अगर आपको भी कुछ इस तरह से आउटपुट चाहिए तो आप इस तरह से सेटअप बिल्ड कर सकते हो। वीडियो को अप्रिशिएट कीजिए, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके एंड अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो हमें डिस्कॉर्ड पे फॉलो कीजिए, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए एंड मोर ओवर आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।